और जिस एरिया में मैं अभी हूँ और ये काफ़ी मुझे अच्छा एरिया लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बांग्लादेश में हूँ। यहाँ पे पूरे शहर के अंदर कोई भी रेड लाइट नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे आपको। यहाँ की जो रोडें हैं, खासकर आपकी ढाका शहर के अंदर, अपने यार इंडिया से भी ज़्यादा साफ है। मतलब मन खुश हो गया यार यहाँ पर देख के। ये देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये ढाका है। अरे मुझे क्यों मार रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। सो गाइस, वंस अगेन आई एम हेयर विद एन अदर ढाका की वीडियो। ढाका के ब्यूटीफुल एरियाज़ को जितनी दफ़ा भी देखें यार, दिल नहीं भरता, दिल करता है कि और भी वीडियोस देखें, क्योंकि ढाका जो है इतना खूबसूरत है और यहाँ पे इतने डिफरेंट एरियाज़ हैं कि आपकी सोच भी नहीं है कि यार बहुत से लोगों ने बहुत से एरियाज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ। स्पेशली वो लोग जो फॉरेनर्स होते हैं, और जब वो आते हैं बांग्लादेश में, ढाका में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ जब वो देख के सब कुछ और डेवलपमेंट और बांग्लादेश के हवाले से, लाइक क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि यार बांग्लादेश, हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वो तो यार बहुत ही गरीब किस्म की कंट्री है, उधर तो काफ़ी हाल जो है बेहाल हुआ होगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उनके माइंड में होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडियन मीडिया की जानिब से हमेशा इस चीज़ को कहा जाता रहा है कि बांग्लादेश के पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, और हमेशा गुर्बत के ताने दिए जाते रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें देख के फिर वहाँ के जो लोग होते हैं उनके माइंड में वही जो इमेज है वो सेट हो जाता है। अब यहाँ पे जी फॉरेनर हैं और इंडियन हैं, ठीक है, एक फॉरेन गर्ल है और इंडियन है, दोनों बांग्लादेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो लेट्स सी ये बांग्लादेश के हवाले से क्या कह रहे हैं और इनका बांग्लादेश में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और ये बांग्लादेश की जो डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर करके इनका क्या कहना है, इनको बांग्लादेश कैसा लगा है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जी लाजमी लाइक किया करें, आप लोग वीडियो लाइक करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। और जिस एरिया में मैं अभी हूँ और ये काफ़ी मुझे अच्छा एरिया लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बांग्लादेश में हूँ। यहाँ पे पूरे शहर के अंदर कोई भी रेड लाइट नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे आपको। यहाँ की जो रोडें हैं, खासकर आपकी ढाका शहर के अंदर, अपने यार इंडिया से ज़्यादा साफ है। मतलब मन खुश हो गया यार यहाँ पर देख के। ये देखिए, नाइट व्यू मैन, आपको लगेगा ही नहीं कि ये ढाका है। अरे मुझे क्यों मार रही है पागल, ये बेचारी तो रोड पर ही बैठ गई यार, टैक्सी का वेट करते करते आधे घंटे से ऊपर हो चुका है यार, आधे घंटे से ऊपर। और आपको मेरे पीछे देख ही रहोगे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी बहुत गरीब कंट्री आया हूँ, ऐसा कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट है यहाँ पे भी। सो देखो भाई, लड़कियों को कितना फायदा होता है, उनको फूल वगैरह मिलते हुए, हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं देता। वेयर्स माई फ्लावर, मतलब आप पैदल ढका के अंदर गाड़ी से जल्दी पहुँच सकते हो, लगभग आपका 80% जगह पे आपको ये वॉक वेज मिल जाएंगे। तो राम राम भाइयों, इस वक्त मैं हूँ आपका ढका बांग्लादेश में, और इस वक्त मैं ऑक्सी के साथ खा रहा हूँ आपका ये बांग्लादेशी समोसा, और पी रहा हूँ आपका ये बांग्लादेशी चाय, और जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है आपकी 10 बांग्लादेशी टका, और इसके अंदर अपने इंडिया की तरह इसके अंदर दूध वगैरह नहीं गिरते हैं, और अगर यहाँ पे दूध मिलता भी है तो वो आपका पाउडर फॉर्म में मिलता है, और आपका यहाँ पे इतना दूध प्योर दूध यूज़ नहीं करते हैं, और इसके अंदर लेमन मिलेगा आपको, थोड़ी सी शुगर मिलेगी, और कुछ इस तरीके की चाय होती है। और आज मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ आपका गुरुद्वारा, वो प्रॉब्लम, और बाकी आपको जैसे जैसे रास्ते में और कुछ देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आपको मेरे पीछे देख ही रहोगे, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी बहुत गरीब कंट्री आया हूँ, ऐसा कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट है यहाँ पे भी, गरीब जगह भी है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अच्छे एरिया भी यहाँ पे ठीक ठाक मुझे देखने को मिल गए हैं, जैसा मेरे पीछे देख रहे हो। और अभी भी रात के 9 बज गए हैं, मैं सुबह से घूम ही रहा हूँ आज, और ठीक ठाक ही लगा मुझे, ऐसा डेंजर सा नहीं लगा यहाँ पे, और थोड़ा सा अलर्ट हो गए और अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई डेंजर नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब अकेले रात को 12 बजे घूमोगे खाली सड़कों पर तो दिक्कत तो होने वाली है, बाकी मोटा मोटी ठीक है। मैं आपको पीछे का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का। और अभी सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा मॉडर्न बांग्लादेश जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको, कि यार यहाँ पे ये चीज़ देखिए कितना मतलब डेवलपमेंट हुआ पड़ा है यार। मतलब जब भी हम सोचते हैं कि मतलब बांग्लादेश के बारे में तो हमें लगता है कि वो बुरा सा होगा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन आप देखो यार कितना अच्छा बांग्लादेश है, यकीन नहीं होगा आपको।
मतलब जबरदस्त मजा आ गया। यस मतलब साफ सफाई देखो, चलने के लिए आपको सेपरेट फुटपाथ है, रोड इतनी साफ है, बीच में ग्रीनरी भी है, बिल्डिंग भी अच्छी खासी है यार, मॉडर्न ढक्का देख के मजा ही आ गया। और जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ उसको गुलशन के नाम से भी जाना जाता है। मैं जब से बांग्लादेश में आया हूँ एक चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ यार, कि यहाँ की जो रोडें हैं खासकर आपकी ढाका शहर के अंदर, अपने यार इंडिया से भी ज़्यादा साफ है। मतलब मन खुश हो गया यार यहाँ पर देख के। मेरे सामने देखो आपको कूड़ा कचरा ज़्यादा नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का ही है। मतलब सच में यार ढाका आपका साफ है यार, इस चीज़ के लिए तो मेयर मानना पड़ेगा। जो बात है तो है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मतलब ढाका आपका अच्छा खासा साफ है यार। और आप लोग कमेंट करिए और बताइए आपको ये जो व्यू है बांग्लादेश का वो कैसा लग रहा है, और आपको ये उम्मीद थी कि बांग्लादेश ऐसा होगा, ये आपने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, जो जल्दी से कमेंट करिए। और चलते हैं आगे सीधा गुलशन की तरफ। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, बिल्डिंगें वगैरह किस तरीके से बनी हुई हैं ये देखिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना डेवलपमेंट देखने को मिलेगा ढाका के अंदर। ये देखिए आपको लगेगा नहीं कि ये ढाका। तो भाई गुलशन के साइड में एक मार्केट दिखी, और मार्केट में यार देखो हमने क्या देखा यार, मतलब इतना बड़ा नींबू निचोड़ने का, अरे मुझे क्यों मार रही है पागल लड़की। और सही में यहाँ पे नींबू जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, और देखो किस तरीके की मार्केट है। और भाई रश काफ़ी ज़्यादा है पूरे ढाका के अंदर ही आपका, मतलब आपको लगभग हर जगह भीड़ मिलेगी, और मिलेगी भी क्यों नहीं। आपका ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेंसिटी वाला शहर है बड़े शहरों में, मतलब इससे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला कोई शहर नहीं है। और यहाँ पे 1 किलोमीटर के एरिया में आपके लगभग 44,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो आप देखिए कितना भीड़ भाड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मुझे क्या अच्छी लगी यहाँ पे, कि हर जगह लगभग आपका 80% जगह पे आपको ये वॉकवेज मिल जाएंगे। आपने इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब कहीं पे चलने की जगह है कहीं नहीं है, ये इस चीज़ में मुझे ये बेटर लगा तो होना ना चाहिए। तो इंडिया में भी अपना डेवलपमेंट अगर ये वाला चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छा है। और आपको एक मजे की मैं बताता हूँ, यहाँ पे पूरे शहर के अंदर कोई भी रेड लाइट नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे आपको, वही गाड़ियों को रखते हैं, रेड लाइट वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे शहर में, ढाका शहर में ही मतलब रेड लाइट नहीं है। मुझे मेरे होस्ट ने भी बताया था कि यहाँ पे रेड लाइट नहीं है, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैंने शहर को घूमा, यहाँ पे सच में पूरे शहर में कोई लाल बत्ती ही नहीं है, लाल बत्ती, येलो लाइट, ग्रीन लाइट कुछ भी नहीं है। हर जगह आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ये पुलिस वाला खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यही यहाँ पे जो गाड़ियाँ रेड ग्रीन होगी उनको इशारा करेंगे और ये आगे जाएगी। मतलब बत्ती वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये देखो। और यहाँ पे कम से कम ये 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका होगा, और ये पूरा पीछे तक चला जाता है। और मेरे साथ भी, मैं जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे ये देखने को मिलता है कि जाम बहुत लंबे लंबे लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपका वहाँ से मूव करने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ आपका यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर, और मैंने गूगल मैप में चेक करा कितना दूर है, तो 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और मुझे वो दिखा रहा था ड्राइव करके कि मुझे लगेगा 28 मिनट, बाय वॉक वो दिखा रहा था कि मुझे लगेगा 25 मिनट। मतलब आप पैदल ढका के अंदर गाड़ी से जल्दी पहुँच सकते हो। तो मैंने सोचा मैं क्यों जाऊँगा गाड़ी से, तो पैदल ही चलता हूँ। तो मैं अभी जाने वाला हूँ पैदल आपका गुरुद्वारा नानक साहिब, 25-30 मिनट चलेगा, इतना तो मैं चल ही सकता हूँ। थोड़ी सी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन कभी कभार के लिए चलता है। तो चलते हैं आप सीधा गुरुद्वारे की तरफ। फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पे, आपका डेकोरेशन अच्छी कर रखी है, मतलब इकोनॉमी यहाँ पे ठीक ठाक कर रही है। आप शहर में घूमोगे तो आपको लगेगा, आप मेरे सामने देख सकते हो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। तो ठीक ठाक शहर है आपका, बिल्कुल भी गरीब तो नहीं कहोगे आप। तो चलते चलते मुझे यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट दिख गई, यहाँ पे आपको कबाब, गोलगप्पे, स्ट्रीट फूड वगैरह, जूस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको छोटा सा व्यू दिखाता हूँ, और एक बात बोलूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई आपकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। इस बात में हमें ढाका को अप्रिशिएट करना पड़ेगा यहाँ, इवन कि मतलब पूरे बांग्लादेश में, हाँ ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, लेकिन मेन आपकी जो जगह है वहाँ पे साफ सफाई आपका ठीक ठाक मेंटेन कर रखा है, मतलब थम्स अप है भाई इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको यहाँ का पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये देखिए पूरा मतलब भरा हुआ है मार्केट से, ये स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे लोग मिल जाएगा, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मतलब कुछ अलग से कंट्री में आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल माहौल है। ये देखिए लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं अपना। ये देखिए अच्छा लगा यार कि बांग्लादेश भी मतलब अपना मॉडर्न हो चुका है, नॉर्मल, मतलब यहाँ पे लेडीज़ भी बाहर हैं, सब कुछ है, मतलब नॉर्मल ही लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी मुस्लिम कंट्री में हूँ। अच्छा एटमॉस्फेयर है।
ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ मिला है चिकन कबाब और कुछ पूरी की तरह यहाँ पे रोटियाँ हैं, चार रोटी के साथ चिकन कबाब साथ पूरी टाइप, एक पैक, एक बोटी कबाब, एक बोटी कबाब, चार रोटी और पैक कर देना, पार्सल 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 पार्सल। तो मैंने इस शॉप से आपका पैक कराया है आपका चिकन बोटी कबाब, जो चिकन होता है बिना बोन की बेसिकली, और उसके साथ कुछ पूरी सी यहाँ पे लोकल डिश बन रही थी, साथ में वो पैक करा ली है, तो जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है आपकी 140 बांग्लादेशी टका, जिसका मतलब हुआ आपका 105 10 रुपए के आसपास। तो सस्ता ही है चिकन, अपने इंडिया में इतना सस्ता कहाँ ही मिल जाता है, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी दी है उन्होंने, और लोग काफ़ी फ्रेंडली मिल रहे हैं मुझे जहाँ भी जाओ यहाँ पे, मतलब इन्होंने भी मेरे से पूछा यूट्यूब चैनल कौन सा है, कहाँ से हो, इंडिया से हो, और जब भी आप उनसे बोलोगे ना कि मैं इंडिया से, तो लोग बड़े फ्रेंडली जाते हैं कि आप इंडिया हो, इंडिया में कहाँ से हो, आपको बांग्लादेश कैसा लगा, फलाना टिकना, तो लोग फ्रेंडली हैं इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के लिए किसी के भी मन में कुछ नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इंडिया ने आपका बांग्लादेश के लिए काफ़ी बार हेल्प भी करी है, काफ़ी मदद करी है इंडिया ने इनफैक्ट, और जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब जब बांग्लादेश, तो अभी मैं चलता हूँ गुरुद्वारे की तरफ, देखता हूँ कि काफ़ी लेट हो चुका हूँ, खुला हुआ होगा भी इस टाइम, नहीं भी होगा, लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगा आप में जाके। तो मुझे अभी चलते चलते देखो एक क्यूट सी कार दिखी है, पिंक कलर की टोयोटा की, मुझे अच्छी लगी, सोचा आपको भी दिखा दूँ। गरीब भैया देखो यहाँ पे बड़े बड़े होटल भी हैं, ऐसे ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, और वो देखो सामने हॉस्पिटल है एक बड़ा सा, और मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग है यहाँ पे, है इंफ्रा अच्छा है यार, मतलब यहाँ पे मतलब कुछ कुछ एरिया जो है वो पूरे डेवलप्ड है, लेकिन ट्रैफिक का वही बहुत बुरा हाल है यार, हर जगह जहाँ भी जाओ ये देखो पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब रेड लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे मेरे होस्ट ने बताया था कि पहले इस शहर में रेड लाइटें होती थी लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है और पूरे बांग्लादेश में हर चौराहे पे जैसे ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं पुलिस वाले ही खड़े कर दिए हैं, तो अभी पुलिस वाले ही आपकी पूरे बांग्लादेश में रेड लाइट का काम करते हैं, यहाँ पर रेड लाइट है ही नहीं, जो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि मैंने कभी किसी शहर में, बड़े शहर में ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर रेड लाइट ना हो, तो यहाँ पे बस इसी तरीके से जुगाड़ करके ही काम चल रहा है अभी, और जाम यहाँ पे बहुत तगड़ा लग जाता है, और यहाँ पे मतलब मान के चलो तीन तीन चार चार किलोमीटर की लंबी रेड लाइट हो जाती है, इतना बुरा हाल है भाई, तो पैदल जाना पड़ रहा है, ये देखो पैदल जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं भाई अगर मैं टैक्सी से जाऊँगा तो। अब चलो चलते हैं आगे, तो अब रोड तो पार कर ली है लेकिन अब ये देखो फिर ट्रैफिक, और यहाँ पे भी आपको रोड पे चलते चलते काफी सारी जो फूलों की दुकानें हैं वो मिल जाएगी, ये देखिए ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। तो भाई ने अभी ऑक्सी को फूल दे दिया है, तो देखो भाई लड़कियों को कितना फायदा होता है, इनको फूल वगैरह मिलते हुए हमें कुछ भी नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं देता। वेयर इज माई फ्लावर, इट्स हर, वेयर इज माइन, मेरा फ्लावर, मेरा फूल, मेरा फूल कहाँ है, हिंदी आती है, हिंदी नहीं आती, ये मेरा मेरा फूल कहाँ है, मेरा मेरा फ्लावर ओनली फॉर यू। तो आप लोग अपने घर में बैठे बैठे ढका के ट्रैफिक के मजे लो, यहाँ पे यार आप पैदल चलो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, कुछ भी कर लो, आप ट्रैफिक आपको मिलना है मिलना है, ये देखो। और यहाँ पे सब भी देखो आपको रिक्शा ही रिक्शा दिखेंगे, रिक्शा की काफी ज्यादा तादाद है, और आपको उसकी वजह से इसको ना रिक्शा कैपिटल के नाम से भी जाना चाहता है, सिर्फ ढाका शहर के अंदर, पूरे बांग्लादेश में नहीं, आपके 4 लाख रिक्शा हैं, और जहाँ भी जाओगे आपको यहाँ पे रिक्शे वाले हर जगह दिखेंगे, और अपने इंडिया में तो मोस्टली 80-90% बैटरी वाले रिक्शा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे मैनुअल रिक्शा ही है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे भी बैटरी वाले रिक्शा आ जाएंगे आपके। तो अभी चलते चलते दिखिए ढाका यूनिवर्सिटी, तो इसको भी देख ही लेते हैं कैसी है। तो देखिए कुछ इस तरीके का व्यू है आपका ढाका यूनिवर्सिटी का बाहर से। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, दैट वाज अमेजिंग वीडियो, मुझे बहुत अच्छे लगे, लाइक नाइट व्यू जो है ना मैंने कभी नहीं देखा, और इन्होंने बकायदा जी ढाका का नाइट व्यू दिखाया है, ब्यूटीफुल रोज, लाइट्स, एवरीथिंग, एक एक चीज़ जो है बहुत खूबसूरत है। बस एक यार मसला है बांग्लादेश में, वो है जी ट्रैफिक का, स्पेशली ढाका के अंदर, और ट्रैफिक का मसला भी सॉल्व किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट वेज, लेकिन आई विश के बांग्लादेश में ये मसला जो है ना रिजॉल्व हो सके, लेकिन अगर लाइट्स नहीं है ना वहाँ पर, लाइट्स आई थिंक मे बी लगाने से कोई फ़र्क पड़ जाए, मे बी
आई एम नॉट श्योर, ठीक है, लेकिन समटाइम्स होता है कि जो जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो भी बेहतर अंदाज में उसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा पता होता है। तो वेल यहाँ पे इन्होंने जी बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। वेल बांग्लादेश डिज़र्व, और बांग्लादेश ने विद इन फ्यू ईयर्स जो डेवलपमेंट की है उसकी वजह से जो है ना बांग्लादेश को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री भी कहा जाता है। तो वेल इससे पहले जो है किसी को भी किसी के माइंड में नहीं था कि बांग्लादेश इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा, और आज बांग्लादेश का जो पर कैपिटा है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो ये ही वजह है कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बांग्लादेश की अवाम इज़ रिचर देन इंडिया की अवाम। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम हुआ है कैपिटल में, ढाका के कैपिटल में, वो बहुत ज़्यादा है, लाइक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है कि जो भी आता है वो यही कहता है कि इट लुक्स लाइक कि हम बांग्लादेश में नहीं हैं, किसी और कंट्री में है, यूएई में है, अदर कंट्रीज़ में है, जो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम्स स्टिल वो होने वाली रहती हैं, लेकिन चीज़ें रैपिडली जो है ना चेंज नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज होती हैं। कोई अगर छोटी मोटी चीज़ ख़राब है तो इंशाल्लाह आगे वो भी सही हो जाएगी। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का जो भी कहना है आप लोग बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोग लाजमी लाइक करें, लाइक का बटन सामने, उसे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।